दोस्तों दो चीज़ों को याद रखिए, गौदान और एकादशी। मरने के बाद इंसान को नहीं देनी चाहिए। श्रीमद् बल्लभाचार्य जी ने कहा है कि एकादशी देनी है तो जीते जी दो। उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति पलंग पर तड़प रहा हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हो, मरने के कगार पर हो, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से दो एकादशी दान कर दो, उसको तुरंत दे दो। तो क्यों? क्योंकि उस मरने वाले व्यक्ति को उससे मोक्ष मिल जाएगा। कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाओ, लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाओ। अगर एकादशी के व्रत का फल का पुण्य लेना है तो द्वादशी को चावल जरूर खाओ। द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी, लेकिन द्वादशी में चावल नहीं खाए तो एकादशी नहीं लगेगी। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को मरने के बाद भगवान के दूत उसे धान के खेत में डालते हैं, वो धान के खेत में ही रहता है। उस जीव को अगर चिड़िया खाती है तो वो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अगर चावल खाते हैं तो एक जीव को खाते हैं। आपको एकादशी के दिन चावल खाने से जीव हत्या का दोष लगता है, फिर कब खाएं चावल? तो द्वादशी के दिन। द्वादशी को चावल क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी का व्रत किए हुए हैं होते हैं। जब द्वादशी को चावल का एक दाना खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको इसका पुण्य मिल जाता है और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को चावल जरूर खाओ।